हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिल्क फैब्रिक सेड करना बताऊंगी कलर पेंसिल से, और रेफरेंस के हिसाब से मैंने कलर पेंसिल्स चूज़ कर लिया है। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रीम कलर से बेस लेयर अप्लाई कर लें। स्मूथ शेडिंग के लिए स्मॉल स्मॉल स्पेस को सर्कुलर मोशन में कवर करते हुए आप शेडिंग कर लें। मैंने जो कलर्स चूज़ किए हैं रेफरेंस को देखते हुए, उस सारे कलर को आप लेयर बाय लेयर यूज करें और अपने सिल्क फैब्रिक को कंप्लीट कर लें। हाईलाइट अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ ऑटोमेटिक इरेजर यूज कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।